कुछ दिनों से अर्नब से बचना भी आसान हो गया है, लेकिन एक इंसान है जिसे बचना इम्पॉसिबल है, आप जान रहे हैं कौन है। 8 और 9 की सुबह अमेरिका को ट्रंप मिला, हमको डिमोनेटाइजेशन मिला। कई लोग हैं जो बोले हाउ कुड दे सिलेक्ट दैट गाय, यू नो हाउ कुड दे। मैंने बोला अबे तुम देखो तुमने क्या किया, अपने आप नोट आए 2000 रुपए के नोट ना, वो पता है उसमें ये चिप लगा है, उसमें वो सिग्नल भेज देता है, वो पकौड़े छन के देता आपको। मतलब इतना शॉकिंग था वो, बाकी हम लोगों के लिए छोड़ो, अरुण जेटली आज तक शॉक दिख रहे हैं। नहीं, मैं खड़े होके ही करना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसी बातें बोलने वाला हूँ कि भागने की तैयारी रहनी चाहिए। तो वो मैं वो वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता उठने में। तो सबसे पहले तो जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि आजकल कुछ दिनों से अर्नब से बचना भी आसान हो गया है। कुछ दिन हैं जहां वो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन एक इंसान है जिससे बचना इम्पॉसिबल है, आप जान रहे हैं कौन है। उनसे बचना इतना मुश्किल हो गया है, मुझे लगा चलो आज किताब की दुकान में हैं, आज यहां पे किसी के पास फ़ोन वोन नहीं है, हम फिल्मों पे बातें करेंगे। टहलते हुए मेरे सबसे पहली नज़र मेरी किस किताब पर पड़ी, वो उनकी पोइट्री की किताब है। हाँ, अंग्रेज़ी में ट्रांसलेटेड है, मैंने पढ़ने की कोशिश की तो वो बहुत ही सॉरी टू से बहुत ही वाहियात सी लगी, लेकिन उतनी वाहियात फिर भी नहीं है जितना ये आइडिया है जो चल रहा है इस समय जो है हिंदुस्तान में। क्योंकि ये क्या था, मतलब ये 8 नवंबर जो है दुनिया के इतिहास में जो है 8 और 9 की सुबह अमेरिका को ट्रंप मिला, हमको डिमोनेटाइजेशन मिला, ठीक है। और अमेरिका को ट्रंप मिला उस पर भी बहुत सारे लोग, खास करके हिंदुस्तानी बड़े ना, कई लोग हैं जो बोले हाउ कुड दे सिलेक्ट दैट गाय, यू नो हाउ कुड दे। मैंने बोला अबे तुम देखो तुमने क्या किया, अपने आप का तुम लोग किस किस को चुनते रहे हो और किस किस को चुन रहे हो वो सोचो ना पहले। वहां अपने दूसरे पे वो लगाना बहुत आसान है कि भाई हाउ कुड दे बी सो स्टूपिड, यस जस्ट लुक इन द मिरर एंड ऑल दैट एंड यू नो। बट ठीक है, हम इस पे जो हमारा जो इस समय है जो माहौल है जो अनुशासन पर्व जो इमरजेंसी को भी कहा गया था, ये अनुशासन पर्व था वो, तो ये अनुशासन उत्सव है अभी जो चल रहा है, जिसमें कि अचानक से वो उन्होंने कहा, और कैसे कहा, मतलब ऐसा है जैसे ना राजा नहीं होते थे पुराने टाइम के कि सुबह बागीचे में टहले और टहलते हुए दिमाग में कुछ आया, जो भी बोला उन्होंने बोला कबूतर की बर्फी खाएंगे आज, है ना। तो सारे दरबारी सारे बावर्ची सब जुट गए कि भैया कबूतर की बर्फी बना के आज खिलानी ही है, तो उन्होंने वैसा ही कुछ कबूतर की बर्फी हम लोग खाने की कोशिश कर रहे हैं इस समय। मतलब इतना शॉकिंग था वो, बाकी हम लोगों के लिए छोड़ो, अरुण जेटली आज तक शॉक दिख रहे हैं। वो अभी तक वो सोच रहे हैं कि ये कोई बुरा सपना है, अभी उनको चिकोटी काटेंगे अमित शाह और वो उठेंगे और बोलेंगे हाँ चलो सब ठीक है कुछ नहीं हुआ है। मतलब अजीब अजीब विचित्र दृश्य पूरे देश में देखने को मिल रहे हैं। एक अंकल मुझे दिखे, वो कुर्सी लेके जा रहे थे अपने घर से, मैंने बोला क्या हुआ कहाँ जा रहे हैं, बोला ATM में बैठना है बाहर जी, तो मैंने बोला ठीक है भाई बैठो आप। अगले दिन फिर वो कुर्सी लेके जा रहे थे और एक कड़छी लेके जा, कड़छी कड़छी ले खाना भी बनाएंगे क्या, बोले नहीं नहीं खाने के लिए तो पैसा निकालना है, लेकिन ये कड़छी से मारेंगे साले आगे वाले को लाइन तोड़ता है। तो घर में और कोई हथियार नहीं है, हम यही करने जा रहे हैं। फिर मेरा दोस्त है, सबके साथ हुआ होगा, नहीं 4-4 घंटे लाइन में लगे और जैसे ही आप पहुंचे हैं आपका नंबर आया और कैश खत्म हो गया, वो यहाँ गया फिर दूसरी जगह गया, वहाँ 3 घंटा लाइन में लगा, वहाँ नंबर हो गया। इतना जलील वो टिंडर पे नहीं हुआ है। जितना ATM ने जितना जलील किया उसको, उतना वो अभी तक किसी इश्क विश्क में कभी वो जलील नहीं हुआ था, इतना देखने में अच्छा खासा वैसा है, लेकिन अब हो गया बेचारा। तो एक और इसके साथ क्या हुआ है, जो सब तरह की आवाजें हैं एक तरफ से ना, और जो जस्टिफाई करने की कोशिश है इसको, और जिस तरह से वो सब लगे हुए हैं, एक तो हर बंदा मतलब 100 में 46 घटाना जिसको नहीं आता है वो इकोनॉमिस्ट बना बैठा है आज की तारीख में। कैसे, व्हाट्सएप पे आज तो आप जो लिख दो वो सच है, वो परम सत्य है। व्हाट्सएप धीरे धीरे गीता को हटा के कोर्ट में व्हाट्सएप पे कसम खिलाई जाने वाली है जल्दी। क्यों भैया आ जाते हैं मुझे समझाने की, ये ना इसके बाद क्या होगा, फिस्कल डेफिसिट इंडिया का 22% कम हो जाएगा। मैंने लगा कैसे पता व्हाट्सएप पे आया है, कहा अबे व्हाट्सएप पे तो यार क्या क्या नहीं आया उस पे तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा, 2 सींग वाला हाथी दिखाऊंगा तुमको। नहीं वो ऐसा है ये है, नहीं नहीं व्हाट्सएप से ही एक्चुअली ये स्कीम कहाँ से आई है, ये रामदेव ने व्हाट्सएप किया था मोदी जी को।
कि भैया ये है ऐसा ऐसा कर दो, और वो व्हाट्सएप भी पूरा नहीं पहुंचा। खुद रामदेव कह रहे हैं कि हमने तो 3 स्टेप दिए थे, उसमें से पहला इन्होंने लगाया, इसलिए हालत है। तो वो व्हाट्सएप उनका पूरा नहीं हुआ, क्योंकि बीच में वो भारत सरकार पढ़ने लगती है, वो किसी और ने पढ़ा, वो जिन्होंने भी पढ़ा वो कैमरे भी लगाए हुए उन्होंने यहाँ। तो आप आज तक की बात नहीं कर रहा मैं उसकी बात कर, हर बंदा इकोनॉमिस्ट खुद को समझ रहा है, हर बंदा इसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है, और खुद सरकार जिस तरह से वो जो वो हो रहा है ना, वो गोल पोस्ट चेंज होने का, मतलब शुरू में कहा गया काला धन के लिए है, फिर कहा गया एंटी टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए है, फिर वो नक्सल वो बंद हो गए हैं, फिर कहा गया कि कैशलेस हो जाएगा। मुझे मतलब ऐसा है कि वो सिर्फ गोल पोस्ट नहीं चेंज हो रहे हैं, वो गोल पोस्ट से खेल ही बदल दिया गया है। शुरू में हम लोग अचानक से पूरा देश जो चल रहा था, अनाउंसमेंट हुआ मन की बात में कबड्डी, सब लोग कबड्डी खेलने लगे सड़क पे, थोड़ी देर में समझ आया इसमें तो हार रहे हैं, तो अचानक से अनाउंसमेंट हुआ खो 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 खो, तो अब सब खो खो खेलने लगे। अभी अचानक से बैट बॉल चल रहा है, बैट भी नहीं है बॉल भी नहीं है, पर हम लोग खेलने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत लोग जस्टिफाई कर रहे हैं कि ये हो रहा है। लेकिन ये भी है कि मोदी जी को पता नहीं है कि किससे पंगा लिया है, उन्होंने एक आम हिंदुस्तानी से पंगा लिया है जो इनहेरेंटली ब्लैक मनी या इनहेरेंटली करप्ट है। हम लोग नहीं सुधर सकते हैं, ठीक है ना। वो उनको समझ नहीं आ रहा है, वो पहले वो झाड़ू हाथ में लेके चले कि इसको देख के हिंदुस्तान स्वच्छ हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा। हम लोग क्या, इतने साल से हमने, हमारी इतनी एंशियंट सिविलाइजेशन है, हम लोगों ने घास नहीं छीली है 4000 साल से, हम लोगों ने घास नहीं छीली है कि सिर्फ एक विजुअल देख के हम लोग अपना भैया कचरा नहीं फेंकेंगे। क्यों नहीं फेंकेंगे यार, हमको सिखाया गया है इतने साल से, हमारे अंदर है। यहाँ डिब्रूगढ़ की ट्रेन, बम्बई से सबसे दूर जो जाती है वो डिब्रूगढ़ की ट्रेन है, ठीक है। उसमें वन वे टिकट फर्स्ट क्लास का 12,000 का है एक टिकट, आप 6 टिकट बुक कर सकते हैं काउंटर पे जाके, तो 6 और 6 12 टिकट, मतलब आने जाने का अगर आप जोड़ लें तो 9 नवंबर से डिब्रूगढ़ की सारी ट्रेनें जो हैं 2 महीने आगे की वो फुल जा रही हैं फर्स्ट क्लास, क्योंकि लोग कैश दे के भेज रहे हैं अपने घर में से किसी को कि भैया जाओ सारा बुक करा लो, और जिस दिन जर्नी करनी होगी उससे 2 दिन पहले कैंसिल करा देंगे, 60 रुपया लेता हमारा रेलवे, और बाकी पैसा मोदी जी की जेब से निकल के इनके पास आएगा। तो इन लोगों से पंगा लेना मतलब बहुत गलत है। लेकिन अल्टीमेटली क्या हो रहा है, उनके दिमाग में जो था कि भैया जो है ब्लैक मनी वाले, हाँ इन्होंने कहा ब्लैक मनी वाले जो है ना सिर्फ उन्हीं को दिक्कत हो रही, वही लाइन में लगे हुए हैं। तो हम देखने गए तो हमको वहां दिख गए अंबानी जी लगे हुए लाइन में एटीएम में, तो हमने पूछा अच्छा क्या हुआ आप सच में लाइन में, बोला नहीं नहीं मैं तो बैंक खरीदने आया हूं ताकि आगे से गलती ना हो ऐसी। तो ये जो इनका है ना, फिर उन्होंने कहा अभी कल परसों किसी ने कह दिया, एक मिनिस्टर है कोई, मैं नाम भूल रहा हूं क्योंकि एक तो बहुत सारे हैं और छोटे छोटे दूर दूर भी दिखते हैं, दूर दूर एक सूरज की रोशनी में बाकी सब छुप जाता है ना, तो वो दिखता नहीं है। तो खैर उन्होंने कहा कि सिर्फ वो हैं जो उसमें मर रहे हैं, क्या बोलते हैं लाइन में जो मर रहे हैं वो सिर्फ ब्लैक मनी वाले हैं। तो मैं देखने गया, फिर मुझे वहां एक जमीन पे विजय माल्या पड़े हुए तड़प रहे थे, तो मैंने पूछा अच्छा सच में आप ये गर्मी से मरे, बोले नहीं नहीं हमने बहुत सारा कैश खा लिया। तो ये जो हो रहा है, लेकिन इस सबके साथ साथ एक जो काउंटर नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है, जिसमें कि कहा गया है कि अच्छा वो सर्वे निकाला है इन्होंने भाई अपने ऐप पे, पहले तो कितने लोग हैं यहाँ जिन्होंने वो ऐप डाउनलोड किया है, मुझे उम्मीद नहीं थी इतने समझदार लोग हैं हिंदुस्तान में, क्योंकि वो ऐप मैंने डाउनलोड करने की कोशिश की, उसने इतने परमिशन मांग लिए, उसने पूछा आपने आज कौन से कलर का कच्छा पहना है, मैंने बोला नहीं, ये सब इतना आगे ना जाएं। वो ऐप के परमिशन से देख के आप डर जाएंगे, ऐसा लगेगा वो ऐप नहीं है वो रिश्ता है आपके लिए, इतना सारा वो आपको जानना, वो जानना चाह रहा है वो ऐप। तो फिर भी उस ऐप में वो पोल चला, उस पोल में उन्होंने रिजल्ट छापे कि भैया 98% हिंदुस्तान जो है हमारे साथ है, उसमें वो बताया गया इस तरह के सवाल ही थे उसमें, वो सवाल ऐसे थे कि क्या आप काले धन के अगेंस्ट हैं, यस नो। अभी मैं कोई जो काले धन वाला होगा वो खुद यस पे जाके क्लिक करेगा, कौन होगा जो वहां पे नो क्लिक करेगा, अच्छा तो ये स्टेप आपको कैसा लगा, ग्रेट अमेजिंग एक्सीलेंट, ये तीन। वो मुन्ना भाई की मार्कशीट लग रही थी, वो जो रिजल्ट आया था ना उसको मुन्ना भाई की मार्कशीट थी। फिर वो नोट पे इन्होंने फिर हर तरह से इन्होंने कोशिश की है कि उसको घुमा फिरा के, अच्छा नोट आए 2000 रुपए के नोट ना, वो पता है उसमें ये चिप लगा है, उसमें
अब वो सिग्नल भेज देता है, वो पकौड़े छन के देता है आपको, कुछ भी, कुछ भी था। मैंने बोला भाई साहब क्या 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 करना चाह रहे हैं आप नोट से। अब इन्होंने बोला लड्डू हम देंगे, लड्डू बांटेंगे, लाइन में लगे हुए लोग ना त्रस्त हो रहे हैं बहुत। 40 दिन बाद इनको समझ आया कि लोग त्रस्त हो रहे हैं, लेकिन ये नहीं समझ आया कि त्रस्त के बदले में क्या देना, लड्डू। 40 दिन इनको लगे ये समझने में कि हिंदुस्तान में आदमी गुस्सा होता है तो उसको लड्डू दे दो। अबे हाँ ये सही बात है कि कोई तीखी चीज ना दें, क्योंकि वो बदले में आपको ही मिलने वाली है। वो तो आप सोच के उन्होंने गोल चीज ढूंढी कि क्या गोल चीज है जो दी भी जा सकती है, जो खाई भी जा सकती है, जो देख के ऐसा मारे तो जोर से लगे ना, ये सब सोच के उन्होंने लड्डू पे पहुंचे। लेकिन वो लड्डू भी कहां से थे आपको पता है? अभी गडकरी जी की बेटी की शादी थी तो होता है भाई, बचते हैं, हम भी सोचते हैं कि लगाओ सालों को कहीं बाहर वेस्ट नहीं करना चाहिए ना, वो भी एक मंत्र है ना, हमारी सरकार का मंत्र है, वेस्टेज नहीं होना चाहिए बिल्कुल। तो वो सब है, लेकिन फिर हुआ अच्छा शादी, अलग अलग रूल्स, हर दूसरे दिन तो रूल्स ऐसे नए नए बदल रहे थे। रूल्स भी इतनी बार बदले हैं कि अभी वो रूल्स के लिए एक अलग से मतलब एक मिनिस्ट्री बनानी पड़ेगी, मिनिस्ट्री ऑफ चेंजिंग रूल्स करके, जो आपको बता सके कि आज क्या हुआ, आज कौन से चार रूल बदले गए। अब इतने रूल बदले गए, उसमें फिर वो शादी वाला इन्होंने रूल बनाया, वो भी क्यों बनाना पड़ा, क्योंकि कहीं पे प्रधानमंत्री जी ने मजाक उड़ा दिया कि लोगों के घर शादी हो रही है और पैसा नहीं है, हैं ऐसा मतलब ये कैसी पंचलाइन थी, ये क्यों थी, किस पे थी ये पंचलाइन? ठीक है, उन्होंने वहां मजाक उड़ा दिया, फिर वो हीट हुई, जो उनके कोर मेंबर जो भी ग्रुप हैं, खासकर गडकरी जी की बेटी की शादी थी बीच में, तो वो उन्होंने अपना घुमा फिरा के फिर उन्होंने कहा अच्छा नहीं नहीं जिसके घर शादी है उसको 2.5 लाख रुपए उसको मिलेगा। बहुत लोग तो ऐसे ही पहुंच गए 2.5 लाख मांगने, उनको लगा कि मिल रहा सरकार की तरफ से उनको बैंक वाले ने बताया नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो मुफ्त नहीं है, आपका अकाउंट में होगा तो मिलेगा। बहुत लोग पहुंच गए, भाई हिंदुस्तानी भोला होता है, सीधा होता है। हम लोग ऐसे ही हैं, हम लोग अभी भी सपोर्ट में हैं, क्यों हैं आप सोचिए ना, हम लोगों के अंदर वो अभी भी वो गुस्सा नहीं है, किसी के अंदर गुस्सा नहीं है। मतलब मुझे लगता है किसी अफ्रीका या कि कोई ऐसे और हमसे जो कम जीडीपी और कम डेवलपमेंट वाला देश है वहां भी ऐसा हुआ होता तो अब तक वो मतलब हंगामा हो गया होता सड़कों पर। हाँ वेनेजुएला ने ले लिया है, लेकिन वो हाँ हम तो बहुत आगे निकल गए हैं, अब तो हाँ अब तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन हम लोग मानते हैं, हम लोगों के अंदर वो एक नेचुरल गुडनेस है ऑलवेज टू लुक एट द इंटेंट एंड वी सी के ओके हाँ ठीक है यार अच्छा ही सोचा है, अब ठीक है थोड़ा दिन मतलब हो रहा है दिक्कत तो हो रहा है, लेकिन एक और हमारे अंदर ये है कि अच्छा ठीक है ना, हमारा हमारे घर की रसोई जल गई, सामने वाले का तो पूरा मकान जल गया, चलो अच्छा है तो वो एक खुशी रहती है हम लोगों के अंदर। ये हर आदमी सोच रहा है, वो भले ही वो IAS ऑफिसर हो, वो ये सोच रहा है अच्छा मेरा चल यार 50 करोड़ का नुकसान हुआ, साला मंत्री का बहुत हुआ होगा ना, बहुत उस मेरे से जूते का लेस बंधवाया था ना, आज 500 करोड़ गया, मतलब ऐसा सबके दिमाग में चलता रहता है। तो हम लोग एक वो हैं, और एक हमारा जो वो वैदिक माइंडसेट है ना कि हर चीज फेटलिस्टिक है, ठीक है हो गया जी हो गया कोई बात नहीं, हम लोग किसी चीज में ऐसे गुस्सा नहीं होते, हम लोगों का अपना एक वो चलता रहता। तो इस सब बीच में उन्होंने शादी वाला अनाउंस किया कि भैया 2.5 लाख वो शादी, वो 2.5 लाख मिलेगा शादी वालों। उसके बाद राहुल गांधी ने लड़की तलाश करना शुरू कर दिया कि जीजू का कुछ तो निकाल लें, जीजू का थोड़ा 2.5 लाख ही मिलेगा, चलो इतना ही सही कुछ तो निकालें। फिर उसमें रामदेव जी ने जस्टिफाई किया कि नहीं वो बैचलर हैं, सरकार में सारे बैचलर हैं इसलिए उनको पता नहीं था शादी का सीजन। अबे बैचलर को ही सबसे पहले पता होता है शादी का सीजन, जो शादीशुदा हैं वो तो उस वो महीना उनके दिमाग से ही कट जाता है। जो बैचलर होते हैं उनके अंदर सब तरह की लालसाएं और वो इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स और एक खाना खाने की जो ललक होती ना कि हाँ शादी खाएंगे साला, जो शादी कर चुका होता है उसको पता होता है कि शादी से घटिया खाना कहीं नहीं होता, लेकिन वो एक वो है। तो इस तरह से जस्टिफाई हो रहा था, लेकिन ठीक है डिमोनेटाइजेशन और वो उनको ट्रंप के साथ जीना, हमको इसके साथ जीना है, जीते रहिए खुश रहिए, शुक्रिया। Very good, very good.